दुनिया भर में कई आइलैंड्स हैं और बेशक ये खूबसूरत भी हैं, पर अगर बात की जाए बेस्ट इंडियन आइलैंड्स डेस्टिनेशन की तो हम सबके मन में पहला नाम लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ही आता है। पर बड़ा ट्रिकी सवाल तो ये है कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है। वैसे तो कोई जगह किसी से बेहतर नहीं होती क्योंकि हर जगह की अपनी यूनिकनेस होती है, पर नॉलेज के लिए एक पॉजिटिव कंपैरिजन करने में कोई बुराई नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो आइलैंड्स डेस्टिनेशंस को कंपेयर करेंगे, पर इस वीडियो में इनसे रिलेटेड पॉइंट्स जैसे हिस्ट्री, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, एरिया एंड पॉपुलेशन को भी कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी है। ये ब्यूटीफुल आइलैंड्स शानदार बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के स्वच्छ पानी से घिरे हुए हैं। ये आइलैंड्स जाने जाते हैं अपने प्रिस्टाइन कोस्टलाइंस, व्हाइट सैंड बीचेस, फेरी राइड्स, स्नॉर्कलिंग और टॉल पाम ट्रीज के लिए। इस आइलैंड पर कई ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती और सी फूड दोनों ही काबिले तारीफ है। वहीं लक्षद्वीप अरबियन सी में मौजूद आर्किपेलागो है जो इंडिया के साउथ वेस्टर्न मालाबार कोस्ट से कुछ दूरी पर है। ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट है। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मिनी खोए और अमीनी दीवी आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता था। लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट टेरिटरी है। यहाँ की ट्रिप पर आप बहुत सी नेचुरल खूबसूरती, जानवर, बीचेस, फिशेस और खास करके टूना और कई सारे कोकोनट ट्रीज भी यहाँ आपको देखने मिलेंगे, जो आपको एक बेहद खूबसूरत और शांत एहसास देगा। नंबर टू, एस्टेब्लिशमेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को 1 नवंबर साल 1956 यानी आज से 65 ईयर्स पहले एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं लक्षद्वीप आइलैंड को भी आज से 65 ईयर्स पहले ही 1 नवंबर 1956 में यानी उसी डेट को एस्टेब्लिश किया गया था। नंबर थ्री, हिस्ट्री। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 2200 ईयर्स पहले का है, पर जेनेटिक एंड कल्चरल स्टडीज ये बताती है कि अंडमानीज पीपल 30,000 साल पहले से आइसोलेटेड होंगे। अंडमान आइलैंड कुछ सेंटिनलीज पीपल का घर है जो एक अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है और शायद ये अकेली ऐसी इंसानों की टुकड़ी है जिन्हें कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। अंडमान की हिस्ट्री काफी हद तक इंडिया से जुड़ी है क्योंकि चोला एम्पायर पीरियड के दौरान ब्रजेंद्र चोला वन ने यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर अपना स्ट्रेटेजिक नेवल बेस श्री विजया एम्पायर के खिलाफ लॉन्च किया था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कई आइलैंड जापानीज कंट्रोल के अंडर थे। सुभाष चंद्र बोस ने वॉर के दौरान इस आइलैंड को शहीद द्वीप का नाम दिया था। साल 1950 में ये इंडिया का हिस्सा बन गया और 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी ऑफ नेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। वहीं लक्षद्वीप का इतिहास तो बहुत ज्यादा पुराना है। यहाँ बुद्धिस्ट से लेकर इस्लामिक दोनों तरह के लोग रह चुके हैं। मेडिवल पीरियड की बात करें तो 11th सेंचुरी के दौरान ये आइलैंड चोलास के अंडर आ गया जब उन्होंने केरला के हिस्से पर जीत हासिल की और फिर ये आइलैंड किंगडम ऑफ कन्नूर के अंडर चला गया। 1 नवंबर 1956 रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ इंडियन स्टेट के दौरान लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालाबार डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया और सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस न्यू टेरिटरी को लक्षद्वीप, मिनी खोए और अमीनदीवी आइलैंड्स का नाम दिया गया और आखिर 1 नवंबर 1973 को इसे अपना लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया। नंबर फोर, पॉपुलेशन। विकिपीडिया के अनुसार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन 380,520 है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। इनके अलावा यहाँ बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, निकोबारीज, कुरुक, मुंडा और खारिया जैसी भाषाएं बोली जाती है। वहीं लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन 64,473 है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम और इंग्लिश है। साथ ही जैसेरी और दिवेही भाषाएं भी बोली जाती है। नंबर फाइव, एरिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कुल क्षेत्र 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका एरिया रैंक 28 है। यहाँ थ्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया 32.62 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका एरिया रैंक 36 है। यहाँ सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट है। नंबर सिक्स, गवर्नमेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का चीफ सेक्रेटरी IAS चेतन भूषण सांघी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और यहाँ की हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट पोर्ट ब्लेयर बेंच है। वहीं लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोदा पटेल और MP NCP के मोहम्मद फैजल PP है। नंबर सेवन, नंबर ऑफ आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार में कुल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 37 आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं, यानी जहां लोगों का बसेरा है और यहां आना जाना आम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर है। ये सिटी 41 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इस सिटी की पॉपुलेशन 1,40,572 है। वहीं लक्षद्वीप का मतलब तो 100,000 आइलैंड्स होता है, पर असल में यह 36 आइलैंड्स ही है जिनमें से 10 आइलैंड्स इनहेबिटेड है। लक्षद्वीप की सबसे बड़ी सिटी एंड्रोट है जो 4.98 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और यहाँ की पॉपुलेशन 11,464 है। वहीं यहाँ की कैपिटल सिटी कवारट्टी है। नंबर एट, बेस्ट प्लेसेस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मशहूर नामों के तौर पर राधानगर बीच,
महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, चिडिया टापू बीच, वाइबर आइलैंड, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और बैरन आइलैंड है, जो हर किसी को बेहद ज्यादा पसंद है। वहीं लक्षद्वीप पर अगत्ती आइलैंड, बैंगरम अटोल, कदमत आइलैंड और बैंगरम लगून जैसी जगह है आपका दिल जीत लेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? हमें कमेंट